नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के दक्षिणी कश्मीर कुलगांव से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि यहां के रेडवानी में एक आतंकी मुठभेड़ हुई है और अब तक बताया जा रहा है कि इस आतंकी मुठभेड़ में 3 आतंकवादी जो हैं मारे गए हैं। आपको बता दूं कि ये आतंकी मुठभेड़ जो है वो एक गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त ऑपरेशन चलाने के बाद शुरू हुई है। सोमवार को ये मुठभेड़ जो है जारी हुई थी। आपको बता दूं, सोमवार को सेना और सुरक्षा बलों को ये खबर मिली थी कि रेडवानी पाइन के गाँव में एक घर में कुछ संदिग्ध लोग पाए गए थे, देखे गए थे, जिसके बाद एक ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। जिसके बाद सोमवार से ही ये जो मुठभेड़ थी वो चल रही थी। अंधेरा होने की वजह से जो इलाका था उस पूरे इलाके को बहुत पुख्ता तरीके से घेर लिया गया था और अंधेरा होने की वजह से ये मुठभेड़ रोक दी गई थी। लेकिन मंगलवार सुबह होते ही फिर से इस मुठभेड़ को दोबारा से शुरू किया गया। जैसे जैसे सेना और सुरक्षा बलों ने अपना घेरा जो है वो मजबूत किया, आतंकवादियों को ये एहसास होने लगा कि उनका काल अब उनके सर पर मंडरा रहा है और उन्होंने सेना और सुरक्षा बलों के जवानों पर गोलियां बरसाईं, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सेना और सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 3 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं। और ये भी खबर मिल रही है, बहुत सारे विजुअल्स ये भी आ रहे हैं कि जिस जगह पर आतंकवादी छिपे हुए थे, सुरक्षा बलों ने जब वो नहीं बाहर आए तो सुरक्षा बलों ने उस पूरे घर को आग लगा दी है, जिसकी वजह से आतंकवादी जो हैं वो बाहर आए और उसके बाद सेना के जवानों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। आपको बता दूं कि इस मुठभेड़ में एक एलईटी का कमांडर, जो कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक जो आतंकवादी है, जो कमांडर है, इनामी आतंकवादी जिसका नाम बसित अहमद डार बताया जा रहा है, सन ऑफ लेट अब्दुल राशिद डार, जो कि रेडवानी पाइन का ही रहने वाला था, उसको भी ढेर करने की खबर जो है वो आ रही है। सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से देखा जाए, बीते शनिवार को जो पुंच इलाका है, वहाँ का जो सूरनकोट है, उस इलाके में एयरफोर्स के कॉन्वे पर जो हमला किया गया था आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर, जिसमें हमारे वीर एक जवान जो हैं वो शहीद हुए थे और 4 जवान जो हैं वो घायल हुए थे। जो शहीद जवान थे वो शहीद कॉर्पोरल विक्की पहाड़े थे, जो कि 33 वर्ष के थे और उन्होंने वीरतापूर्वक इन आतंकवादियों का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद से ही पूरे इलाके में सूरनकोट से लेकर मेंडेर जो क्षेत्र है, वहाँ का 20 किलोमीटर का जो दायरा है, उसमें करीब 2000 से ज़्यादा जवानों को डिप्लॉय किया गया था। कई सारे घेरे बनाए गए थे, सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे, पूरे इलाके को जो है छाना जा रहा है ताकि कोई भी आतंकवादी बच करके ना निकल पाए। और अब जो कुलगांव में मुठभेड़ हुई है वहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब देखना यह है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं इनका कोई हाथ जो पुंछ में जो हमला हुआ उसमें है कि नहीं, या ये एक अलग मुठभेड़ थी। लेकिन आतंकवादियों का मारा जाना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये कहा जा सकता है कि भारतीय सेना के जवानों ने 42 घंटों के अंदर जो अपने जवान शहीद हुए थे उनका बदला कहीं ना कहीं अब पूरा किया है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर जो है 2 आतंकवादियों के मारने की जो है पुष्टि की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 3 आतंकवादी जो हैं वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और भी आतंकवादियों की जो है तलाश की जा रही है। हो सकता है जो आतंकवादी मारे गए हैं उनकी संख्या और भी कुछ वक्त बाद बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के लिए अच्छा था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद को एक बार फिर से दबाने का, कुचलने का काम किया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।